हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जारी कांग्रेस के हंगामे को लोकतंत्र से खिलवाड़ बताया है। सिंधिया ने कहा है कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है, पहली बार किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लेकिन संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं सिंधिया के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है ये समझना चाहिए। देश में जो गतिविधियां प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की रही हैं, उन पर आपके समक्ष कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। तेलंगाना में